वास्तव में है कुछ नहीं, लेकिन एक उत्साह वर्धन होता है। ट्रैफिक पुलिस धूप में इतना काम करते, परिश्रम करते हैं, ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, और एक सम्मान हो जाता है, नहीं एक कुछ थोड़ा नहीं, लेकिन एक सम्मान हो जाता है सनी के सामने, एक अपनत्व तो होता है कि मैं इतना परिश्रम करता हूँ कि सामाजिक संगठन और समाज के लोग भी हमारे प्रति जागरूक हैं और हमारे परिश्रम को देख रहे हैं, सम्मान आप करते रहें और एक परंपरा बनी रहे, लोग परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को लोग देखें, जिस प्रकार धूम में खड़े होकर पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को चुदुरुस्त करना, क्योंकि गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, अनुशासनहीनता भी लोगों में, कोई इंतजार नहीं करता है, कितना भी रोके मानने को तैयार नहीं है, सीट बेल्ट लगाने को तैयार नहीं, हेलमेट लगाने को तैयार नहीं, मना करिए तो लड़ना लगता है, और उनके जीवन के लिए, उनके सुरक्षा के लिए। एक्सीडेंट केरला में ज़्यादा होता है लेकिन मौत कम होती है, उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट कम होता है लेकिन मौत ज़्यादा होती है, क्योंकि हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाता है, नियमों का पालन करे, जेब्रा क्रॉसिंग है, सीट बेल्ट है, हेलमेट है, सभी नियमों का पालन करे तो आदमी सुरक्षित रहता है, उसके भविष्य के लिए किया जाता है, कोई उसको कठोर या कार्रवाई करता है या आग्रह करता है तो उसी के भविष्य के लिए किया जाता है, फिर भी हम नाराज होते हैं। योगी शासन में और आज उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मोदी योगी जी भी सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय हैं, हर प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं, गांव तक जा रहे हैं, चौपाल के माध्यम से मिल रहे हैं, ये सब व्यवस्था, और मोदी जी भी सभी योजनाओं को लेकर समाज में जन जागरण कर रहे हैं और समाज को जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी नहीं कर सकते ऐसा काम, पूरा समाज जागेगा और पूरे जन आंदोलन बनेगा तब वृक्षारोपण होता है और अनुशासन की अनुशासन में लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे और ये नियमों का पालन करते हैं, यानी ये कहा जाए कि जन आंदोलन बने इसके लिए, तभी ये संभव है। और मैं इसी आज के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि जीवन में सफलता के लिए हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, स्वाभाविक के मंत्री है, अधिकारी है, विभाग के पुलिस विभाग है, हमेशा ध्यान करना चाहिए कि पब्लिक गुस्सा होती है, इसमें कोई दोरा नहीं है, फिर भी हम अपने को संयम रखें, क्योंकि मंत्री को लोग खिलाफ नारा नहीं लगाएंगे, अधिकारी के खिलाफ नारा नहीं लगाएंगे, ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, तो हम सबका जीवन भी एक अनुशासन है, सर पर बर्फ हो, मुंह में शक्कर हो, सीने में आग हो और पैर में चक्कर हो, सोचो ठंडे दिमाग से, हमेशा मीठा बोलो और सीने में आग अपने लक्ष्य के प्रति, पैर में चक्कर हो, चरे जब तक लक्ष्य न मिले तब तक चलते रहो। लक्ष्य क्या है? अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, मजबूत करना, आगे की पीढ़ी सीखे, आने वाले लोग सीखे, और इस दुनिया में जो अनुशासित रहते हैं, जो नियम से पालन करते हैं, बहुत आगे जाते हैं। टाइप कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो सबसे पहले।